कच्छ जिला में इस वर्ष भारी बारिश मेघ टांडव ने तबाही मचाने के बावजूद कच्छ जिला के अधिकतम जलाशय डैम में पानी का कम जत्था दर्ज हुआ है। कच्छ जिला में बारिश ने इस वर्ष भारी तबाही मचाते हुए कच्छ जिला में जल भराव को पैदा किया था। कच्छ में मध्यम सिंचाई के 20 डैम में से 15 जितने डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं, जबकि बाकी रहे 5 डैम गजनसर मथल डैम में पानी ज्यादा होने के कारण ओवरफ्लो होने की तैयारी में है। कच्छ जिला में छोटी सिंचाई के लिए 170 जितने डैम आए हुए हैं, जिनमें से 139 डैम ओवरफ्लो हुए हैं। 31 डैम पूर्ण सपाटी से भर जाने के कारण कच्छ के तमाम डैम तथा जलाशयों में भारी पानी की आमदनी जल राशि पैदा हुई है। तो वही डैम में कुदरती दृश्य होने के बावजूद लोग अब ये नजारे देखने के लिए उमड़ रहे हैं। तो वही कच्छ जिला में 250% जितना बारिश बरस जाने के बावजूद कच्छ जिला में 100% जितने पानी भरते नहीं होते हुए कच्छ नगर के वासियों के लिए एक चिंता का विषय छाया है। जहां भारी बारिश की सीधी असर जलाशय ओवरफ्लो होने के बदले 100% जितने ओवरफ्लो नहीं होते हुए कच्छ जिला में इस वर्ष भी पानी की तंगी पैदा होगी, वैसी लोगों में चिंता सता रही है। कच्छ में छेलो राउंड थया पछी कुल अपनी पास 20 मध्यम सिंचाई डेमो में 15 उगनी गया है, 5 बाकी है। नानी सिंचाई 170 में 139 उगनी गया है, 31 बाकी है। जो सारो वरसाद हजी थे एकाद राउंड तो अपनी पास हजी मथल उगनी सके, थोड़ोक बाकी है भरा में। અને ગજનસરમાં પણ સારું પાણી આવી રહ્યું છે, ખાસ કરીને અત્યારે કેટલાક ડેમોમાં ગાબડા પણ પડ્યા છે, તો એ સંદર્ભે કોઈ ડેમમાં ગાબડું નથી પડ્યું। હા, વધારે વરસાદ આપણે કચ્છમાં જે પ્રમાણમાં થાય એવરેજ રેઇનફોલ એના કરતાં ઘણો વધારે ભારે વરસાદ થયો છે, અને અમુક વખતે થોડાક કલાકોમાં ભારે વરસાદ થયો છે। તો એવા સંજોગોમાં ક્યાંક થોડી ઘણી નુકસાની થઈ છે, કોઈ ગાબડું પડ્યું નથી, અને જે નુકસાની છે સામાન્ય નુકસાની છે એનું રિપેરિંગ પણ તાત્કાલિક કરાવી લેવામાં આવશે। અત્યારે લોકોને શું સૂચન કરશો, ખાસ કરીને અકસ્માતના બનાવો પણ બની રહ્યા છે ડેમ વિસ્તારમાં? ડેમ વિસ્તારમાં અકસ્માતના બનાવો, લોકો જો થોડીક જાગૃતિ રાખે અને અજાણ્યા પાણીમાં ન ઉતરે તો આપણે આ જે અકસ્માતો છે એને અટકાવી શકીશું।